कुत्ता, ये कुत्ता ही मेरे दादा बीमार है का? जो भी रहे, पानी पीने का तो रख दो, सब कोई सक्षम हो बढ़िया। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डॉग जिसको मैंने कल रात को देखा था, जिसकी हालत कल रात को भी कुछ खास नहीं थी। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम यहाँ 2 दिन पहले शिफ्ट हुए हैं, मेरा न्यू घर है, तो मुझे किसी ने बताया इसका नाम भूरी है एंड ये 6-7 साल की हो चुकी है और गर्मी के कारण इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस डॉग को फीडिंग करने के लिए, जिसकी हालत मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कितनी ख़राब थी। तो ऐसे NGO वगैरह से बात करने से पता चला कि उसको थोड़ा सा ग्लूकोन डी वगैरह देने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ठंडा पानी लेके जा रही हूँ उसके लिए। साथ ही साथ मैं इसके लिए लेके जा रही हूँ ग्लूकोन डी। हम लोग ये दोनों उसको दे देंगे और थोड़ा सा खाने के लिए कुछ लेके जा रहे हैं। मैं और मेरी मम्मी साथ में चल रहे हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा चिकन राइस रखा, थोड़ा सा खाना रखवा लिया था, थोड़ा सा हमने कुछ भी बिल्कुल नहीं थी ना, क्या पता अगर चिकन खा ले मेन के कारण लोकंडी वगैरह। हम यहाँ पे थोड़ा सा चिकन राइस लेके गए थे पास के, साथ में यहाँ पे सकोरा नहीं रखा ना, बैठा हुआ था तो उससे हमने बैठ रहा था खाना दिया। आप देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में उसका साथ नहीं छोड़ा है बहुत ज्यादा। मम्मी ने सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा खाना दिया था, 60 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, पानी भी दिया। सब इन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब मिलेगा। हम ही है जो इनको फीड कर सकते हैं। खत्म हो गई क्या? एंड दिस इज द डॉग जिसको मैंने कल देखा था, उसकी हालत कल थोड़ी बहुत ठीक भी थी, आज आप देख सकते हो जब हमें खाना निकला है तो पता चला कि यहीं पर ही ऐसी कंडीशन में है। ये खाना चाहती थी बट ये खा बिल्कुल नहीं पा रही थी, इसका जो जीभ है वो भी साइड में हो गया था। तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा पानी देने का ट्राई किया, प्लस साथ में मैंने इसको देखा कि इसके पीछे ट्यूमर भी है, तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी ये कुत्ता ही मेरे दादा बीमार है का? जो भी रहे, पानी पीने का तो रख दो, सब कोई सक्षम हो बढ़िया अपने अपने दरवाजे में। कम से कम इतना गर्मी में प्यास भूख सबको लगता है, खाना नहीं दे सकते लेकिन पानी तो दे सकते हैं ना। देखो बेचारा सबको ही रख लो, मालूम छोटा छोटा पानी लग रहा है मेरे को तो गर्मी भी। बीमार हो गई बेटा ये बहुत। ये दोपहर का टाइम था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ इसे लेके जाऊँ, क्योंकि कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था, हॉस्पिटल भी ओपन नहीं थे। एंड मैंने बहुत सारे NGO वालों को कॉल करके बुलाने का ट्राई किया बट कोई आता है नहीं, सबके पास कुछ ना कुछ बहाना होता है। पानी से कर रही ना थोड़ा, ये पानी से पानी नहीं लाई हूँ ना, पानी ठंडा मैं इसको अब पानी से ही थोड़ा उठ गया, देखो ना पानी से। गर्मी बहुत, गर्मी के कारण है इसका, उसके मुंह में पानी डालना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा, इसको ट्यूमर भी है देखो, पानी के कारण है। बाप रे, ले बेटा ले पानी पी, ले 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 ले, नहीं उठ पा रही हो, कहाँ गया? बहुत गर्मी है ना। अरे रे 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 रे, गिर रही हो बेटा। उसके बाद ये ऐसे थोड़ा देर घूमते रही, मैंने इसको पानी पिलाने का बहुत ट्राई किया बट ये पीना चाह रही थी पर पानी पी नहीं पा रही थी। सो मैंने यहाँ मम्मी से थोड़ा सा ग्लूकोन डी वाला पानी बनवाया और उसे ढूंढने के लिए चले क्योंकि वो गायब हो गई थी, पानी भी नहीं पी रहा बिल्कुल। अच्छा पानी पी ले बस थोड़ा सा, चल ले बस पानी पी ले, पानी पी ले बेटा थोड़ा सा पी ले। तो हमारे पड़ोसी के पास ये वाली गाड़ी थी, मैंने उनसे थोड़ी हेल्प मांगी और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने थोड़ा हेल्प किया। मेरे को लग रहा है वो ठीक हो जाएगी मम्मी, वो उसको सीरीज वगैरह चढ़ेगा ना। चल बैठ, नहीं बैठेंगे, एक जन को लाना ही पड़ेगा। अभी हम लोग उसको लेके जाने वाले हैं हॉस्पिटल, गाड़ी मिल गई है। यहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने अपनी गाड़ी दी है उस डॉग को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। सो, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। देखते हैं कि अब डॉग की हालत क्या है और डॉक्टर क्या उसको बोलता है। तो मम्मी और मैं यहाँ पे स्कूटी में निकल चुके हैं उसको साथ में लेके सामने वाली गाड़ी में। हम लोग उसके वैसे ले जा सकते थे अपनी स्कूटी में बट अभी वो बहुत ज़्यादा पेन में थी तो उसे काट भी सकती थी। ये लॉक है यहाँ, डॉक्टर वगैरह कोई कुछ नहीं है। ऑनलाइन इसमें दिखाया था 24 आवर ओपन होगा लेकिन इसमें शाम 5 से 6 बजे का नहीं है ना डॉक्टर का नंबर।
कहाँ कोई और डॉक्टर है क्या मम्मी, मतलब कहीं और ले जा सकते हैं क्या? ये तो इनकी डॉगी थी, यहीं पर से आई है। यहाँ पर एक लड़का मिला तो हमने इससे पूछा कि डॉक्टर कब तक आएंगे, क्योंकि यहाँ तो 24 घंटे ओपन का टाइमिंग था बट अभी तक कोई डॉक्टर आया नहीं। तो उन्होंने बोला कि शाम के सिर्फ एक घंटे ये ओपन रखते हैं। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ दिस डॉग, और इसकी हालत थोड़ी बिगड़ती जा रही थी तो इसलिए हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाना इसको। एंड ये हॉस्पिटल 24 घंटे ओपन होने का क्लेम करता है, वो सिर्फ एक घंटे के लिए खुलता है। सो हमने तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल में ना। इस हॉस्पिटल में तो ऐसा ऑनलाइन शो कर रहा है कि 24 घंटे खुला रहेगा, दूसरे हॉस्पिटल में आए जो कि पंडरी में है। एंड ये वाला हॉस्पिटल ऑल टाइम ओपन रहता है, मैं जहाँ जो भी डॉग को लेके आती हूँ उसका इलाज यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाता है। सो यहाँ पर हम इस डॉग को अंदर लेके जा रहे हैं एंड शी इज़ वेरी स्वीट, वो किसी को भी काट नहीं रही थी इतना ज़्यादा पेन में होने के बावजूद भी। तो हम लोग इसे उठाए और इसे अंदर लेके गए पहले। इसको क्या उठाने में थोड़ा डर लग रहा था, नहीं तो ऐसे सीधी एकदम सीधी है ये। थोड़ी देर वेट करने के बाद में हमें यहाँ पे डॉक्टर मिल गया था और उन्होंने कुछ कुछ दवाई मुझे लिख के दी। सो मैंने यहाँ पे दवाई वगैरह ख़रीदा उसके लिए। एंड बस उसे मेरे ख्याल से ग्लूकोन डी वगैरह की कमी हो गई थी, गर्मी चढ़ गई थी उसके शरीर में, सो इसलिए डॉक्टर ने इसे थोड़ा सा ड्रिप वगैरह चढ़ाया था। एंड कुछ एक घंटा मुझे यहाँ टाइम लगा था और डॉक्टर ने बोला था कि इसे 2-3 दिन ऐसे और लाना पड़ेगा क्योंकि ये खाना नहीं खा पा रही है। सो हमने फिर इसे वापस घर लेके गया और थोड़ी बहुत दवाई वगैरह की ज़रूरत थी इसे, तो इस टाइम फिर हम भी अपने घर चले गए थे। और मुझे लगा इसकी हालत ठीक हो जाए तो अभी हम लोग को कल और लाना पड़ेगा इसे, कल परसों 2 दिन लाना पड़ेगा। कल ले आएंगे सुबह, थोड़ी सी हालत बेहतर लग रही इसकी, सुधर जाएगी लग रहा है, मुँह कर रही है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बस जाके बच्चे को देखते हैं है ना, और उसको रखने वखने की जगह भी थोड़ा बना के रख देते हैं है ना, और कल उसको फिर वापस यहीं लाना है, यहीं ले आएंगे। घर वापस आए तो उसकी हालत में थोड़ी सी सुधार थी एंड हमने सोचा था कि उसे नेक्स्ट 2 दिन अब डॉक्टर ने बुलाया तो स्कूटी में लेके चले जाएंगे क्योंकि वो काटती बिल्कुल ही, बहुत ही सीधी डॉगी थी। सो रात के टाइम में जैसे ही हम फीडिंग के लिए निकले हमें वो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मिली, हमने पूरा इलाका छान मारा। आज 3रा दिन है, वो हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है, पूरे एरिया में वो कहीं भी नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा उसे ढूंढने का ट्राई किया बट मुझे ऐसा लगता है शी इज़ नो मोर, क्योंकि अगर डॉग्स ख़त्म होते तो वो अपने एरिया में कभी ख़त्म नहीं होते, वो कहीं बाहर दूर जाके ही, उन्हें जब पता चलता है कि अब उनकी आखिरी टाइम आ गया है तो वो बाहर जाके ही ख़त्म हो जाते हैं। सो मैंने उसे बहुत ढूंढने का ट्राई किया बट वो नहीं मिली मुझे। अगर उसे सही से खाना और पानी मिला रहता सही टाइम में तो वो बिल्कुल ठीक हो सकती थी। तो प्लीज़ अपने अपने घरों के सामने में पानी और खाना रखना मत भूलें, और अगर आपके सामने भी ऐसा कोई जानवर दिखता है तो आप उसे वेट तक ले जाने के लिए भी पीछे मत हटो, क्योंकि आपके थोड़े से टाइम और मेहनत से किसी एक की जान बच सकती है। तो ये वाला चीज़ अपने प्लीज़ माइंड में रखो और उनकी हेल्प करो।